नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेर एनीवन कैन कुक. आई एम आश्योर आज के इस एपिसोड में मैं शेयर कर रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और इनोवेटिव डिशेस, वो भी आपके लेफ्ट ओवर फूड को यूज़ करते हुए. अक्सर या तो चावल बच जाते हैं या फिर चपाती बच जाती है, तो आज के इस एपिसोड में हम इन्हीं दोनों को यूज़ करते हुए बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बनाएंगे. और साथ ही इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ एक मैजिक इन्ग्रीडियंट जो इन रेसिपीज़ को बहुत ही डिलीशियस और जूसी बना देगा. और यहाँ मेरा मैजिक इंग्रेडिएंट है डॉक्टर ओएटकर फनफूड वेज मेयोनीज. और इसे मैंने कैसे यूज़ किया इसके लिए आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा. तो चलिए आज की इस रेसिपी को फटाफट से स्टार्ट करते हैं. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहली रेसिपी मैं बना रही हूँ वेज मेयो कैसेडियाज, जिसके लिए हमें चाहिए बारीक कटी हुई प्याज, बेल पेपर्स, नमक, काली मिर्च पाउडर और कोई भी इटालियन सीजनिंग जो आपके पास इजीली अवेलेबल हो, बॉयल या बचे हुए राजमा, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ऑयल और स्टार ऑफ द शो बची हुई रोटियां और फन फूड की वेज मेयोनीज. एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालकर गरम कर लेंगे. साथ ही में डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, हल्का सा सॉटे करेंगे और प्याज भी डाल देंगे और बेल पेपर भी डालकर सॉटे करेंगे. ऐड करेंगे बॉयल्ड राजमा, काली मिर्च पाउडर, इटालियन सीजनिंग और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. और हाँ, नमक भी डालकर मिक्स कर लेंगे और बस फ्लेम ऑफ करके इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बॉल में ठंडा करने के लिए. जब ये स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो इसमें डालेंगे हमारे मैजिक इंग्रेडिएंट फन फूड की वेज मेयो के 2 बड़े चम्मच और अच्छे से मिक्स कर लेंगे. अब गरम तवे पर रोटी सेकेंगे, ऊपर से टॉप अप करेंगे हमारी राजमा की स्टफिंग, इवनली स्प्रेड कर लेंगे और इसे फोल्ड करके दोनों साइड से सेक लेंगे. और बस हमारा यमी कैसेडियास तैयार हो गया है. तो हम इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे. दूसरी रेसिपी में बना रही हूँ राइस मेयो बॉल्स या कटलेट, जिसके लिए हमें चाहिए बचे हुए चावल और चावल के आधे पोहे, बारीक कटी हुई गाजर, बेल पेपर्स या शिमला मिर्च, थोड़े से मटर, प्याज, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, धनिया पत्ती, लहसुन अदरक का पेस्ट, ऑयल और स्टार ऑफ द शो फन फूड की वेज मेयोनीज. फूड प्रोसेसर में डालेंगे बचे हुए चावल, पोहे जिसे मैंने सिर्फ 1 मिनट के लिए पानी में सोक किया था और फिर छान लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट, प्याज, मटर, बेल पेपर्स, गाजर, धनिया पत्ती, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, गरम मसाला और सूजी भी डाल देंगे. अब इसे बंद कर पीस लेंगे. ये अच्छे से मिक्स हो गया है और डो की तरह फॉर्म हो गया है, तो अब इसे निकाल लेते हैं. अब एक बोल में डालेंगे हमारी वेज मेयोनीज और थोड़े से बारीक कटे हुए बेल पेपर्स जो इन कटलेट को बहुत ही अच्छा क्रंच देंगे. अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, थोड़ा सा पोर्शन डो में से निकाल लेंगे और हाथों में रोल करते हुए इसे प्रेस करेंगे. बेसिकली इसे कटोरी की शेप दे देंगे. इसमें फिल करेंगे हमारी थोड़ी सी मेयोनीज और थोड़े से पोर्शन को हाथों में प्रेस करके इस तरह से हमारी राइस कटलेट को कवर कर देंगे. अब इन्हें ब्रेड क्रम्स से कोट कर लेंगे और सेम वे सारी बॉल्स तैयार कर लेंगे. अब इन्हें गरम तेल पर मीडियम हीट पर फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन हो जाएं. जितनी ये दिखने में सुंदर लग रही हैं उतनी ही खाने में भी टेस्टी हैं. ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी, अंदर से यम. ये बहुत बहुत डिलीशियस बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा. यम. आई होप आपको आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होंगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री. थैंक यू फॉर वॉचिंग.